भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मलिष्का के लाए हुए पंडित देवेंद्र यहाँ घर वालों को सबके सामने बताते हैं कि जो पंडित बद्रीनाथ हैं उन्होंने जो कुछ भी बताया है लक्ष्मी के लिए सब है झूठ, क्योंकि यहाँ पे ऋषि की ज़िंदगी में खतरा जो है वो लक्ष्मी की वजह से कम नहीं हो रहा है और लक्ष्मी की वजह से वो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पंडित बद्रीनाथ बिके हुए हैं, लक्ष्मी ने उन्हें पैसे खिलाए हैं और पैसे लेने के बाद वो सारी बात लक्ष्मी के लिए कह रहे हैं। यहीं पर आप देखेंगे घर वालों को यकीन नहीं होने वाला है, वहीं पे मलिष्का बताएगी कि पंडित बद्रीनाथ लक्ष्मी से मिले हुए हैं। तभी आप देखेंगे कि लक्ष्मी भी पंडित बद्रीनाथ से घर के बाहर ही मिल जाने वाली है। वहीं बद्रीनाथ उन्हें सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि ऋषि की ज़िंदगी में दो दिन के बाद बहुत ही बड़ा दोष आने वाला और वो एक सप्ताह तक रहेगा और लक्ष्मी से कहने वाला है कि तुम यहाँ पर ऋषि के साथ ही एक सप्ताह तक रहना। वहीं लक्ष्मी पंडित जी से ये रिक्वेस्ट करती है कि ये सारी बातें आप जाके घर वालों को एक बार बता दें। वहीं लक्ष्मी पंडित बद्रीनाथ को लेकर घर के अंदर आने वाली है। वहीं पे नीलम को होने वाला शक, उसे लगता है कि लक्ष्मी और पंडित बद्रीनाथ मिले हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ सारी बातें बताएंगे, लेकिन वहीं पंडित देवेंद्र उन्हें झूठा बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी ने उन्हें पैसे दिए हैं, तभी वो ये सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ बद्रीनाथ की बहुत ही ज़्यादा नीलम बेइज्जती कर देगी और बोलेगी हमें आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं, आप इस घर से चली जाइए। वहीं बद्रीनाथ कोई भी अपशब्द नहीं कहने वाला है और चुपचाप से वो घर से बाहर निकल जाने वाला है। वहीं लक्ष्मी भी घर में रुकने वाली होती है, लेकिन नीलम उसे भी धक्के मार के निकाल देने वाली है। वहीं पर लक्ष्मी जाती है तो पंडित बद्रीनाथ उससे कहते हैं कि तुम ऋषि का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, ऋषि की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पंडित देवेंद्र भी मलिष्का के पापा के पंडित है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं सब मलिष्का की कही हुई बातें कह रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। अब तो लक्ष्मी ने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि अब वो ऋषि को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है।